हम लोग जीते हैं तो किसके लिए जीते हैं? पहला, पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। कितने लोगों को पैसा चाहिए जो पैसों के लिए जीते हैं? पैसा सर्वस्व, ऐसे कितने लोग? कितने लोगों को पैसा, पैसा सर्वस्व है, पैसा, ओके। कितने लोगों का हैप्पीनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसा, हैप्पीनेस पाहिजे, बस दैट्स इट, बाकी कुछ नाही, वेरी गुड। किती लोकांना सॅटिस्फॅक्शन इज द अल्टिमेट थिंग? डबल डबल हात न करे वर्गो, आय एम आस्किंग सबसे इम्पॉर्टंट क्या है, सगळ्यात महत्वाचं काय विचारतोय? परत एकदा विचारतो, पैसा झाला, हॅपीनेस, सॅटिस्फॅक्शन, राईट। आता बघा, आता एक गोष्ट, ज्या लोकांना पैसा सर्वस्व वाटतंय त्यांना सांगतो, पैसा आज है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है। जिन लोगों को हैप्पीनेस लगता है, हैप्पीनेस भी आज है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है। और जिन लोगों को सैटिस्फैक्शन लगता है, सैटिस्फैक्शन आज है, मस्त वातावरण झालंय, चहा पिली है, चहा पिल्यानंतर मस्त वाटतं, आय एम सॅटिस्फाईड, और एक चाय मंगाव, दुसरी चहा घेतली, ऍसिडिटी झाली, सॅटिस्फॅक्शन लेवल डाऊन। व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग वी शुड रन बिहाइंड? क्या है ऐसा? हम लोगों के लाइफ में एक पर्पज होना चाहिए, एक पर्पज असला पाहिजे, एक ध्येय असलं पाहिजे की ज्याच्या मागे मी धावतोय, माझं ध्येय मी अख्ख्या भारतामध्ये युथला मोटिवेट करून राहील, दॅट इज माय पर्पज ऑफ लाईफ। आणि ह्या पर्पजच्या मागे मला कितीही कठिनाई आल्या तरी मी ते पूर्ण करणार। तुमच्या लाईफमध्ये तुमचं पर्पज काय? जरा ब्रेनला तुम्ही थोडंसं स्ट्रेन करा, गंज चढतोय, ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रेन करो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ? आप लोगों का पर्पज क्या है? देखो, पर्पज के पीछे अगर भागोगे तो पैसा भी आएगा, हैप्पीनेस भी आएगा और सैटिस्फैक्शन भी आएगा, क्योंकि यू आर रनिंग रनिंग बिहाइंड अ पर्पज, राइट? तो ऐसा आप लोग एक पर्पज डिसाइड करो, लॉन्ग टर्म गोल, ज्याला आपण म्हणतो लॉन्ग टर्म गोलच्या मागे लागावं लागेल आपल्याला, अँड देन यू विल हॅव दॅट काइंड ऑफ व्हॉट आय से ऑल दिस थिंग्स, हॅपीनेस, सॅटिस्फॅक्शन अँड ऑल।